देखिए बात है ना, मुझे आधा में ही ख़त्म करना पड़ा। इधर ना छोटा सा एक्सीडेंट नहीं। डांगोर फोन ना लगे नहीं तुम बाग। लगे। तो हैंग कोई छोड़ा सा सके? ओ। क्यों हो लेता? हैंग फोन सीखी थे किले पे? अरे मैं थोड़ी है ना तो सिलाई दी बोले बम्बा के जाते थोड़ी दिस रहे तो। नौ है तो मैं इतना नहीं जानता सुन। ये है इतना नहीं तो सुन नहीं आता। লগাই দিলা নি তুমি? চাও 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 বা ৰবা ৰবা আমি পিছলৈ নিম ৰবা পালা ঠিক আছে ভৱনক দি দিয়া যোৱা তাত নহয় তাত নহয় বাবু সেই তাত তাত দাদা তুমি চাইডতে থৈ দিয়া মই গোঁসাই ঘৰত যাম তেতিয়া মই লগতে দি দিম দেই মোক গোঁসা অঁ অঁ মোৰ দেহাজনী ভাল হৈ গ'লে হয় আৰু সোনকালে দেই ফুলত পানী দিছে তাই এইফালে এইফালে ইয়াত দিয়া তাই পানী দিবলৈ খুব ভাল পায় মোক জোৰ জবৰদস্তি বাদ দিয়ে দিছে তাই দিয়াৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়া ফুলিছে আকৌ হৈ গ'ল এতিয়া আকৌ দিবলৈ আছে জানো আকৌ পিছত দি অঁ সেইজ দি তুলসীত দি থৈ আহা অঁ সজোৱা দি থৈ আহা ধুনীয়াকে ফুলিব দেই ছোৱালীয়ে দিছে যে ইয়াত দি দিয়া হা গোটেই উপায় দি দিয়ে শুকাই আছে মাজে খৰিকা যায় কেইজোপা ইমান ধুনীয়াকে ফুলিছে কিটা কি হ'ল ক'ত দিবা হা টাম ক'ত ক'ত টাব আছে ন অঁ সেই যোবা অঁ সেইকেইজোপা ষ্টেপত নিদিবা সেইকেইজোপা সেই টাববোৰ সেই চাইডে চাইডে দিবা আমাৰো আছে বাৰু ঘৰ মায়ে ফেচবুক চাই নি হাই ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল ইটছ মি প্লাবিতা অ ইয়ে দেখি আজ সন্দিকা ব্লগ হে অর সুবহ সে মে জো কাম কর রহি হু ইয়ে আপ লোগো কে সাথ শেয়ার কর রহি হু অর আজ হামারি ঘর কি সুবহ কি হালত আপনে দেখা হি থা পুরা ঘর উথল পুথল হো রাখা থা কিউকি না আজ বহুত দিনো কে বাদ ধূপ নিকলা থা তো সারে ঘর কি সফাই হো রহি থি অর উসি টাইম না ও চো হামারি प्यारी सी गुड़िया आ गई थी और उसके साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड नहीं करती तो उसे अच्छा नहीं लगता तो उसके साथ थोड़ा सा फ्लावर्स में पानी दिया उसको बहुत अच्छा लगता है ये सब मेरे साथ करना और ये देखिए दोपहर हो गई है मैं खाना रेडी कर रही हूँ और तो हमारे घर में फिश बना था और साथ में जो फिश के साथ बना था फिश की चटनी भी बनी हाय फ्रेंड्स कैसे हो आप सब लोग आशा करती हूँ सब ठीक होंगे आज संडे का दिन था तो आप लोगों ने किस तरह से संडे का दिन कटाया आज तो हमारे यहाँ ना बहुत अच्छा धूप था आसाम में बहुत दिनों से सिर्फ बारिश 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 और आज इतना अच्छा लगा ना पूरा घर साफ कर दिया घर का काम किया हस्बैंड और मैंने दोनों ने ना आज मॉर्निंग टाइम को सिर्फ क्लीनिंग किया घर का और बहुत ही अच्छा लगा धूप में पूरा कपड़ा वगैरह बाहर निकाला इतना गंदा नहीं तो क्या बोलो आप लोगों को और उन लोगों के लिए भी ख़राब लगता है जो लोग ना अभी सब जगह में फ्लाद हो गया है तो उनका क्या हो रहा है कि लोगों की तो क्या हालत है मैं क्या बताऊं अभी थोड़ा सा अगर फ्लाद भी हो थोड़ा अगर ऊपर धूप हो तो सबको ना सबके लिए अच्छा होता है लेकिन क्या हो गया है कि धूप की होल बे स्कूटी खान पेला दादा गम पाए ना बार বলিব লাগিছিলে চৌচকুটি ঘৰ পালে অলপ এটা ছাগলী ওপৰত থি আছে এটা তলত থি আছে মই চ ছাগলীটো যে জপি আহিলে তাৰ গাতে চৌচকুটি ঘৰ পৰি গ'ল বুলি ভাবিছিলোঁ মই স্কুটিখন পৰিলে বুলি কৈ দে হেৰি আংকুলক
देखिए बात है ना, मुझे आधा में ही ख़त्म करना पड़ा। इधर ना छोटा सा एक्सीडेंट नहीं, स्कूटी हमारी जो फ्रंट की नेबर्स है ना उनके घर का स्कूटी, वो सागवल टू किमो गिर गया ना वो सागवल टू की बोली गई ना बकरी को बोले दिगदार लाइव है सुन बकरी ने ना लाइन माथे में बकरी ने ना गिरा दिया तो क्या हुआ ना उसे उनको बोलना था नहीं, वो लोग सो रहे थे तो इसी चक्कर में ना मेरी बात आधी हो गई। और मैं क्या बोल रही थी, इधर इतना फ्लड है ना असम में, तो हम तो बहुत आराम से ही रह रहे हैं, लेकिन जो लोग ना अभी देखिए जो लोग फ्लड में हैं उनकी हालत, अभी थोड़ा सा धूप आएगा तो घर का पानी सूखेगा तो अच्छा लगता है ना, इसलिए मैं भी प्रे कर रही थी कि प्लीज़ फिर बरसात ना हो, थोड़ा सा धूप की अभी बहुत ज़रूरत है लोगों को। तो आज क्या हुआ, सुबह ना पूरा घर हमने क्लीन किया, ये देखिए सॉरी मैं बैक कैमरा ऑन कर देती हूँ, पीछे से भी देख सकते हैं आप लोग। मैं रोज़ ही घर को क्लीन करती हूँ लेकिन आज थोड़ा सा डीप क्लीन किया और फर्श वगैरह ना पूरा क्लीन किया, इतना अच्छा लगता है मुझे ना क्लीनिंग करना, अच्छा लगता है घर को साफ़ रखना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ये काम मुझे पसंद है और मुझे साफ रखना अच्छा लगता है। खुद भी रहिए और अपने जो हमारे सारे आसपास है उसको भी हमको क्लीन करके रखना चाहिए, ऐसे नहीं कि कहीं भी कचरा फेंक दो। तो मुझे घर में भी क्लीनिंग बहुत पसंद है और मैं हमेशा क्लीन के रखती हूँ। आज थोड़ा सा धूप था तो बंद घर पार्लर भी बंद था तो अच्छी तरह से घर की क्लीनिंग की। अभी मैं आप लोगों को ना थोड़ा मेरे से फ्लावर्स दिखाऊंगी, ओके। इतनी प्यारी हो रही है ना फ्लावर्स, इसकी कलर ना और भी अच्छी है, लेकिन अभी थोड़ा सा डर लग रहा है कैमरे में। और ये देखिए रोजेस, अभी क्या हो रहा है ना हमारे जो बाउंड्री का काम हम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि रस्ते, ये भी बहुत अच्छा फ्लावर इसका निकलता है लेकिन धूप के बाद मुरझा जाता है क्योंकि ना हमारे बाउंड्री रस्ते का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इसलिए हम कर नहीं पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि बाहर का काम इतना हो नहीं पा रहा है। ये देखिए, और ये एक फ्लावर है, इसे खुरिका जाय बोलते हैं, देखिए कितना अच्छा ब्यूटीफुल फ्लावर है ये, कितना अच्छा लग रहा है ना देखिए। और मेरे ना रोजेस भी बहुत ही प्यारे हो रहे हैं, ये देखिए रोजेस, ये देखिए, और ये नारजी फूल, बहुत ही प्यारे फ्लावर्स, लेकिन हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए आधे में काम बंद है क्योंकि ना रस्ते की कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो हमें काम बंद करना पड़ा, तो जो डेवलपमेंट का लोग है उन लोगों ने मना कर दिया करने को। ये देखिए वो भी बहुत अच्छा, तो हम ना अभी काम नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो मुझे बाहर का इतना अच्छा नहीं लगता। अभी जब सब बाहर का काम हो जाएगा फिर मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। मोहन खोल, और ये देखिए मेरा ना काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है क्योंकि बाहर से थोड़ा कपड़ा तो पहले सुखा के ले आया था क्योंकि धूप इतना ज़्यादा था, जल्दी कपड़ा सूख गया था, और अभी थोड़ा लाया था जो अभी सूखा है और उसको ना मैं वो गारू का कवर वगैरह वो लगाने वाली हूँ क्योंकि ना जो थोड़ा देर से धोया था। तो मो क्या कर रही थी कि अंदर ना दरवाज़ा बंद करके पढ़ रही थी क्योंकि मैं वीडियो वगैरह बना रही थी तो उसको डिस्टर्ब हो रही थी, इसलिए वो ना अंदर आके पढ़ रही थी। और ये देखिए मैं ना जो गारू का कवर वगैरह सब आज धो के बाहर सूखने के लिए दिया था वो सब अभी लगा रही हूँ। बहुत धूप इतना ज़्यादा था ना, बहुत सारे कपड़े जल्दी सूख गए थे, लेकिन कुछ ना अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही लाया था लेकिन थोड़ा सा वीडियो वगैरह शूट कर रही थी तो देर हो गई थी, इसी चक्कर में ना वीडियो शूट घर में रहती हूँ तो हो ही नहीं पाता है ना, काम होता है कि रिकॉर्डिंग करूँ या अपना काम करूँ ऐसा हो जाता है।
एक दिन तो मेरे लिए कुछ भी नहीं होता, जैसे ही निकल जाता है। और आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का जो ये ब्लॉग है अच्छा लगा होगा। जितना हो सके मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ अपनी जो घर का जो लाइफ है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर मेरी वीडियो शेयर कीजिए और साथ में लाइक और कॉमेंट भी कीजिए। मेरी जैसे हेयर कटिंग ब्लॉग को आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, उसी तरह फैमिली ब्लॉग को भी आप लोग मेरा आप लोगों का प्यार दीजिए। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय।